Good afternoon, everyone. So what were we doing? The tropical cyclones. Oceanographic or time abhi. So I told you how the naming of the tropical cyclone is being done. So kuch prelims ke liye note down some of the important points for the naming of the tropical cyclone. Kaun sa? Acha, aa chuka hai. Aaya. Aajkal mera naseeb acha chal raha hai. Whatever I teach you uske baad Hindu mein aata hai. So काश मैं छपवा लेता हिंदू. सो दैट इज गुड. देन जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स आल्सो केम, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिफिशियल प्लांट्स आल्सो केम. सो यू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हिच कम इन दिस हिंदू, और हिंदू से पेपर बनेगा. That's my guarantee. हिंदू के बाहर पेपर नहीं बनेगा. ये PIBO सब वैल्यू एडिशन है. ये मतलब पूरा सज गया सब कुछ तो PIBO इज लाइक लिपस्टिक फाउंडेशन. बेस इज हिंदू. सो एंड उसके बाद ये मिंटो सब फॉर मेन्स. सो मिंटो सब सिर्फ शादी के लिए, मतलब मेन्स के लिए. बाकी डेली के लिए इट हैज टू बी हिंदू. फाइन. सो यू कैन टेक डाउन. The naming started in 1999. In Indian Ocean, in the Indian Ocean region, naming started in 1999 in the Indian Ocean region. In this region, Indian Meteorological Department issues cyclone advisory to eight countries. These eight countries are arranged in alphabetical order, and they are Bangladesh. Take down the list. Indian Ocean region mein kaun si countries hai. Bangladesh ke baad India. Yes, sequence mein, jis sequence mein main de raha hu usi sequence mein hi hai. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले बी आएगा, सो बांग्लादेश. उसके बाद सी आएगा, डी आएगा, बट देर इज नो कंट्री विद डी ई एफ एच. सो आई आता है, सो इंडिया. सेकेंड नंबर पे इंडिया. थर्ड नंबर पे बाकी कोई कंट्रीज नहीं, डायरेक्टली एम पे है. अब एम पे दो कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड म्यांमार. सो विच विल कम फर्स्ट? मालदीव्स, बिकॉज ए कम्स फर्स्ट अदर देन वाई. सो मालदीव्स, दिस इज वॉट इज नोन एज एन alphabetical order. And then Myanmar, Maldives, Myanmar. Fir Oman. Oman. After that Pakistan. Sri Lanka and Thailand. एंड थाईलैंड. सो फिताई किसने नाम दिया? थाईलैंड ने. इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा फानी, FANI. दैट इज इट विल बी द नेम ऑफ बांग्लादेश. उसके बाद जो आएगा इंडिया का नाम आएगा, उसका नाम है वायु. सो इंडिया के नाम है सागर, वायु, मेघ, आकाश, बिजली, लहर.
सो उसके बाद नाम आएगा मालदीव्स का हिक्का, उसके बाद नाम आएगा कहर म्यांमार का, उसके बाद ओमान का नाम आएगा महा, आफ्टर दैट पाकिस्तान का नाम आएगा बुलबुल, देन आफ्टर दैट इससे पहले पाकिस्तान का नाम था तितली, उससे पहले जो इंडियन ओशन रीजन में आया था पाकिस्तान हैड गिवन द नेम वर्दा, उससे पहले पाकिस्तान ने नाम दिया था नीलूफर, सो उसके बाद सोफा सोबा, सोबा विल बी द श्रीलंका का नेम, एंड लास्टली एम्फान विल बी थाईलैंड का नेम. सो यू जस्ट नो नीड ऑफ रिमेंबरिंग द नेम्स. ये नाम है 64th, लिस्ट विल एंड, दैट इज द फिताई इज 68th नेम. वी हैव बीन यूजिंग दिस नेम अगेन एंड अगेन. अगर फिर से साइक्लोन आता है तो नेम कैन बी यूज्ड और न्यू नेम कैन बी देयर. हु कैन गिव द नेम? इवन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेम. यू हैव टू गो टू द IMD का वेबसाइट एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट द नेम. नेम मे बी सिलेक्टेड और नेम मे नॉट बी सिलेक्टेड. फाइन. सो वन लास्ट स्टेटमेंट. Based on the alphabetical order, if a cyclone originates anywhere in the Indian Ocean Basin region, the first name will be given by Bangladesh. Followed by India, Maldives, and so on. Now, second question is, why east coast of India is more prone to tropical cyclones? See, we have done in geomorphology, I generally tell you which is the most dangerous volcano in the world. Krakatoa. So last time jab wo erupt hua tha, तो देर वॉज आइस एज ऑन द वर्ल्ड, इट कवर्ड, इट स्टॉप्ड द सनलाइट. परसों जब वो इरप्ट हुआ तो देर केम सुनामी. दिस इज माउंट क्राकातोआ. सो इससे पहले इट हैड इरप्टेड मच मच अर्लियर ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड. अब तब तक वो डॉर्मेंट था. इट वॉज, वी डोंट हैव एनी रिसेंट हिस्ट्री ऑफ माउंट क्राकातोआ का इरप्शन एक्सेप्ट डे बिफोर यस्टरडे व्हेन माउंट क्राकातोआ अंडरवेंट इरप्शन एंड वी हैव इंडोनेशिया का सुनामी. So have you seen that is also Mount Krakatoa only, Sunda Strait region. Kahan pe hai Mount Krakatoa? Sunda Strait region. So what is that? Indian plate and Pacific plate. Indo-Pacific plate ke region mein hai. So that means Indian plate is becoming very active. Isiliye कुछ दिनों पहले रिसर्च भी आया था दैट इंडिया में देर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग अर्थक्वेक विच में बी मोर देन 8.2 ऑन द रिचर स्केल इन द डायमीटर इन दिस मैग्नीट्यूड. हैव यू सीन दैट स्टडीज इन द नॉर्थ इंडिया इज मच मच प्रोन टू द अर्थक्वेक और बहुत दिन से कोई अर्थक्वेक नहीं हुआ है इसलिए देर इज अ चांस ऑफ वेरी स्ट्रांग अर्थक्वेक एज द एनर्जी इज बिंग बिल्ट अप. एज दिस एनर्जी इज बिंग बिल्ट अप देर विल बी सडन release of energy and that will result into earthquake. So you can see how Indian plate is getting active. जब से हमारा क्लास शुरू हुआ इंडोनेशिया में, इससे पहले अर्थक्वेक्स लॉम्बोक आइलैंड पे, उसके बाद और एक अर्थक्वेक एंड अब सुनामी. अब धीरे से मीन्स इंडियन प्लेट नीचे से तो ओशनिक प्लेट को इट इज पुशिंग बट द बोथ द प्लेट्स बीइंग कॉन्टिनेंटल स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है, पुश नहीं हो रहा है बट अल्टीमेटली द एनर्जी विल बी सो दैट इट विल इंडियन प्लेट में पुश इन बिलो द यूरेशियन प्लेट एंड दिस विल रिजल्ट इन टू द शेकिंग ऑफ द अर्थ. Fine with this? मंडी कुलू रीजन, देर इज अ चांस इन नेपाल ऑल्सो. जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है वो हम पता लग सकते हैं बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर हीट दैट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन. बट यू कैनॉट स्टिल प्रेडिक्ट एग्जैक्ट डे टाइम ऑफ एन अर्थक्वेक. आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ पे एपिसेंटर होगा. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डे एंड टाइम. सो आपने वीडियो देखा होगा, रॉक कॉन्सर्ट इज गोइंग ऑन एंड सडनली
सुनामी आ जाता है पीछे से. सो एंड ये जो परसों वाली सुनामी है, एक फेमस वीडियो है उसका विच इज़ गोइंग वायरल, दैट इज द रॉक्स कॉन्सर्ट इज गोइंग ऑन. यू कैन से कोइंसिडेंटली वो जो रॉक स्टार है वो स्टेज से पीछे हटता है, पीठ दिखाता है और ऐसे ऐसे करता है और वहाँ से डायरेक्टली सुनामी आ रहा है. सो यू कैन सी दैट हैज हैपेंड इन द दिस कंसर्ट. सो यू कैनॉट प्रेडिक्ट द फोर्सेस ऑफ द नेचर. सो वाई देर आर मोर ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स ऑन द ईस्ट कोस्ट? वाई ईस्ट कोस्ट इज मोर प्रोन टू द ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स? बिकॉज most of the tropical cyclones originate in the Bay of Bengal. Ab question hai, why does the most of the tropical cyclones originate in the Bay of Bengal? Answer is because it is generally more warmer. Question is why it is more warmer? Because it is more enclosed as compared to the Arabian Sea. Secondly, Arabian Sea mein the winds are very strong. So when the winds are very strong, there is a vertical up and down motion of the wind. Wind jab aati hai to upar jayegi niche aayegi, upar jayegi niche aayegi, and as a result of when the wind is very strong, when there is a vertical wind shear, tropical cyclones ke liye it does not require a vertical wind shear. Wind upar niche nahi kar sakti. Tropical cyclone ke liye the wind has to just go upwards, and isiliye Arabian Sea mein there are less tropical cyclones as compared to the Bay of Bengal. Getting it? बिकॉज वर्टिकल विंड शेयर इज वेरी हाई, मतलब विंड्स किसी भी डायरेक्शन में आ रही है, कभी भी ऊपर जा रही है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स ऑल्सो डू नॉट ओरिजिनेट इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन. सो वॉट यू शुड रिमेंबर फॉर प्रिलिम्स इज वर्टिकल विंड शेयर इज गुड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स और अ बैड कंडीशन? बैड कंडीशन. देर शुड नॉट बी वर्टिकल अप एंड डाउन मोशन ऑफ द विंड. इसलिए हमने किया था, हाई प्रेशर होना चाहिए कंटिन्यूसली, सो दैट जो भी विंड ऊपर जाएगी इट इज टेकन एंड थ्रोन अवे. सो shear means up and down movement. Turbulence, turbulence nahi hona chahiye, there should be only one kind of an movement upwards. Fine, so you take down this in points. The east coast is prone to the cyclones. East coast is prone to the cyclones which develop in Bay of Bengal, which develop in the Bay of Bengal and the Andaman Sea. And the Andaman Sea. And the Andaman Sea. This cyclones after origin, this cyclones after origin travel northeastwards. क्यों नॉर्थ ईस्टवर्ड्स? ईस्टवर्ड्स तो जाते हैं बट दे कर्व, साइक्लोन कभी सीधा नहीं जाता, दे कर्व अपवर्ड्स. सो नॉर्थ ईस्टवर्ड्स कोरियोलिस फोर्स. सो दे नॉर्थ ईस्टवर्ड्स दैट इज दे कर्व, दैट इज दे कर्व एंड हेंस हेंस मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट इन द most of the cyclones which originate in Bay of Bengal and Andaman Sea, Bay of Bengal and Andaman Sea approach India, approach India. Most of the cyclones which originate in the Bay of Bengal and Andaman Sea approach India. On other hand, the cyclones which originate in Lakshadweep, cyclones which originate in Lakshadweep and Arabian Sea approach Pakistan, Oman, etc. Second, the cyclones are more in frequency in the Bay of Bengal region, Just for your reference, 35% greater than Arabian Sea.
because the Bay of Bengal is more warmer. Because the Bay of Bengal is more warmer. Bay of Bengal is more warmer, as it is enclosed. As it is enclosed, totally enclosed नहीं है, तीन साइड से enclosed है. Bay मतलब क्या है? एक साइड खुला है, तीनों साइड लैंड है. सो लैंड ज्यादा गर्म हो रही है एंड लैंड इज ट्रांसफरिंग उसका एक्सेस हीट टू द वाटर. गेटिंग दिस? थर्ड पॉइंट, अरेबियन सी इज रिलेटिवली कोल्डर. अरेबियन सी इज रिलेटिवली कोल्डर ड्यू टू स्ट्रांग मॉनसून विंड्स. ड्यू टू स्ट्रांग मॉनसून विंड्स. And hence inhibits the formation and intensification of a cyclonic system. Hence inhibits the formation and intensification of cyclonic system. Inhibits the formation and intensification of a cyclonic system. Next point. As the Bay of Bengal is connected to the Pacific Ocean, remnants of typhoons enter the Bay of Bengal after crossing South China Sea, which intensifies the tropical cyclones, which intensifies the tropical cyclones. Tropical cyclones, question.
So what is the answer for this? You have to choose only one right answer. It is asking that tropical cyclones do not originate. I'm showing you the warm currents of the world. Red color are the warm currents of the world. No need of drawing this warm currents. These are warm currents, matlab the sea surface temperature is warmer, and this are the cold currents of the world. We'll call this current as Humboldt current. We'll call this current as Benguela current. Matlab yahan pe the sea surface temperature is colder. Kyun? Because the cold polar water is coming in this region. We'll call this current as a West Australian current. We'll call this current as Canaries current. And we'll call this current as California current. So what is the answer now? They are asking you why it does not develop here in this region, because it is washed by cold currents. So what happens when it is washed by cold currents? Because it is washed by cold currents, the ocean water is colder. As the ocean water is colder, low pressure belt or ITCZ does not shift. So ITCZ kaise shift hota hai? That is the lowest pressure in the world is somewhat like this. ITCZ shift karega, but cold current ko avoid karega. Shift karega, again it will avoid the cold current. Yahan pe it will take the regions of warm current. So jahan jahan cold current hai, you can see the ITCZ is not shifting. If it is going in the southern hemisphere with the movement of the sun, this is how ITCZ ka movement is. Only equator pe ITCZ is a straight line, but away from the equator ITCZ does not shift properly. That is, it does not shift in the regions of cold current. So what is the answer for this? Answer is C or answer is B. वैसे तो दोनों answer right है. अगर option रहता, both one and two, both the answers are right. But UPSC has asked you to select only the most appropriate answer. So जब हमने conditions लिखे हैं in the formation of tropical cyclone, was the condition written something कि there should be warm current or cold current? नहीं था हमारे condition. So obviously इससे और इससे तो related ही नहीं है. So the choice is between this and this. Up. Tropical cyclones are generally associated with ITCZ. That is when the ITCZ is away from the equator, jaise this black lines. Then there is a mixing of air masses, garam air masses, and they strike, become tropical cyclone. Ab ITCZ does not shift on the western coast of South America, Africa, and Australia because these are washed by cold currents. Isse kya hota hai? ITCZ does not shift. Question pucha hai, why does the ITCZ does not shift, or question is why the tropical cyclones do not develop? Question is why the tropical cyclones do not develop. Tropical cyclones do not develop because ITCZ does not shift. Why the ITCZ does not shift? Because they are washed by cold currents. So iska most appropriate answer is C, because the ITCZ does not shift. Nahi samajh mein aaya? क्वेश्चन का डिमांड क्या है?
आंसर तो दोनों राइट है, बट क्वेश्चन का डिमांड क्या है, स्पेसिफिकली पूछ रहा है व्हाई साइक्लोन्स डू नॉट डेवलप. साइक्लोन्स डू नॉट डेवलप बिकॉज आई टी सीजेड डज नॉट शिफ्ट. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद आई टी सीजेड. कंडीशंस प्रॉपरली पढ़ो, इसलिए मैंने बोला था कंडीशन शुड बी बाय हार्ट. हैव यू रिटन दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद आई टी सीजेड? यस वी हैव रिटन दिस. अब आई टी सीजेड डज नॉट शिफ्ट बिकॉज कोल्ड करंट्स आर देयर एंड देयरफॉर द आंसर इज सी, आई टी सीजेड डज नॉट शिफ्ट. अगर क्वेश्चन होता व्हाई आई टी सीजेड डज नॉट शिफ्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, तो आंसर वुड हैव बीन बी बिकॉज द कोल्ड करंट्स आर देयर. क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट डेवलप एंड आंसर इज आई टी सीजेड डज नॉट शिफ्ट. सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 2015 प्रिलिम्स एग्जाम का. वैसे देखने में बहुत आसान लगता है बट मोस्ट ऑफ द आंसर कीज विच गेव द आंसर बी, बहुत ही कम आंसर किसने आंसर दिया था सी. एंड जब यूपीएससी का आंसर की आई थी फाइनल, तो आंसर उसमें सी था बिकॉज सी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एक तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या फिर कैंसिल करके इफ यू आर स्टिल गेटिंग डाउट खुद को पूछो. दैट इज कोल्ड करंट्स के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं होते, तो वेयर डिड आई रीड कोल्ड करंट्स इन द कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है बट आई टी सी जेड पढ़ा है. सो व्हाई आई टी सी जेड, क्या होता है आई टी सी जेड पे? आई टी सी जेड पे देर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूमरस एयर मासेस विच आर वार्मर. आई टी सी जेड क्यों होता है? जो गर्म है एरिया, तो ये गर्म क्यों नहीं है? बिकॉज कोल्ड करंट है. So the tropical cyclones is associated with ITCZ or cold currents, ITCZ. So the answer is ITCZ does not shift. Ek to attempt karo aise questions ya leave it. But it should not go wrong because upar upar se dekha to answer B lagega. But the actual answer is C. There are some of the questions which will in every subject which are going to check you the core fundamentals of this subject. So the answer is ITCZ does not shift. Understood everyone? Getting it? Which one? Canary current. We'll do this current. Oceanography अभी शुरू हो जाए. Next point. Why the tropical cyclones do not develop in during the southwest monsoon? विंड का डायरेक्शन, करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विंड्स. व्हाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट डेवलप ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आपका पॉइंट विल बी क्लियर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून. डज आई टी सी जेड शिफ्ट टू इंडिया? ओवरकम आता है कि इंडिया के ऊपर या नहीं ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून? यस. नहीं आएगा तो लो प्रेशर जोन कैसे बनेगा इंडिया में? इफ देर इज नो लो प्रेशर जोन देन हाउ कैन देयर बी रेनफॉल इन इंडिया? सो आई टी सी जेड शिफ्ट्स टू इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून. बट कहाँ पे आई टी सी जेड? नियर नॉर्थ इंडिया या इन द ओशंस? नियर नॉर्थ इंडिया. सो नियर नॉर्थ इंडिया आई टी सी जेड इज देयर. सो कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस इज ऑकरिंग ऑन द लैंड और इन द वॉटर? लैंड. सो लैंड पे जब देर इज अ कन्वर्जेंस विल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट? नो. क्यों इतना सन्नाटा क्यों है? चेकिंग योर बेसिक्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू दे ओरिजिनेट ऑन द लैंड और ऑन द वाटर? ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून आई टी सी जेड कहाँ पे है? लैंड पे है या वाटर पे है? लैंड पे है. सो देयरफॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैन नॉट ओरिजिनेट क्योंकि आई टी सी जेड इज ऑन नॉर्थ इंडिया वाइल बे ऑफ बंगाल नीचे है. सो कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस इज ऑकरिंग ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया नॉट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन. प्लस जो वेन द आई टी सी जेड हमारे नॉर्थ में है बिकॉज आई टी सी जेड इज इन नॉर्थ इंडिया सो ट्रेड विंड्स साउथ सदर्न हेमिस्फेयर की दे क्रॉस द इक्वेटर एंड बिकम साउथ वेस्ट मानसून. नॉर्थ की ट्रेड विंड्स हिमालयस को क्रॉस ही नहीं कर सकती. सो देर इज नो कन्वर्जेंस. नो कन्वर्जेंस और नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकॉज कन्वर्ज होनी चाहिए विंड्स. ट्रेड विंड्स ऑफ बोथ द हेमिस्फेयर्स में दे कन्वर्ज घूमने लगती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी हैव एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन.
क्या डिफरेंस है बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन द विंड्स विल कन्वर्ज अलॉन्ग ITCZ, नॉर्थ की ट्रेड विंड्स जो गर्म है एंड साउथ की ट्रेड विंड्स जो गर्म है. आफ्टर कन्वर्जेंस दे विल गो अराउंड द लो प्रेशर सेंटर, एंड व्हेन दे गो अराउंड द लो प्रेशर सेंटर दिस इज व्हाट विल नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन. फ्रंट्स पे कन्वर्ट नहीं होगी, दिस इज नॉट अ फ्रंट बिकॉज दोनों विंड सेम है. अब ये घूमना, दिस रोटेशन डज नॉट ऑकर एट द इक्वेटर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो डिफ्लेक्शन के लिए है इट इज नॉट देयर. सो इसे इक्वेटर पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिनेट. गेटिंग दिस? सो फर्स्ट पॉइंट, द साउथ वेस्ट मॉनसून, द साउथ वेस्ट मॉनसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय strong surface winds. कौन सी surface winds है? Southwest winds. Southwest monsoon ही surface wind है. वो season भी है और वो surface wind भी है. It is the southwest winds. As well as strong upper air circulation. In the form of easterly jet stream. See, this concept will become more clear in Indian geography. Ground pe there is a southwest monsoon and upper there is an easterly jet stream. Easterly jet stream is going over India. बट विंड है. विच पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी हॉट? नॉर्थ वेस्ट इंडिया. सो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज अट्रैक्टेड डाउन बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लो प्रेशर. फाइन. एज वेल एज जो साउथ वेस्ट मानसून है वो गर्म होती है एंड वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है. एज अ रिजल्ट वी हैव वर्टिकल मूवमेंट एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. कौन सी नीचे आने की कोशिश कर रही है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. एंड कौन सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है? साउथ वेस्ट मानसून. Therefore, can I say wind ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है? That is turbulence. Turbulence मतलब vertical wind shear. And therefore, tropical cyclones cannot originate. Getting it? Southwest monsoon, suppose this is surface. It is flowing on the surface. It is getting warmer. It is trying to go up. Easterly monsoon, easterly jet stream east to west जा रही है. बट वो नीचे आने की कोशिश कर रही है. क्यों नीचे आने की कोशिश कर रही है? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द लैंड एंड देयरफॉर विंड्स वर्टिकल बन जाती है एंड वी कॉल दिस एज एन वर्टिकल विंड शेयर. सो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. सो इसलिए हैड दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉट बिन देयर तो ये विंड सिर्फ ऊपर जाती तो यू वुड हैव गॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन. बट ऊपर देयर इज एन ईस्टर्ली विंड विच ऑल ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अपवर्ड्स. इसलिए बीच में कहीं रुक जाती है, मेक्स निम्बोस्टेटस क्लाउड्स एंड गिव्स रेनफॉल. गेटिंग दिस एवरीवन? थोड़ा टेक्निकल है इसलिए पूछ रहा हूँ. व्हाट इज हैपनिंग? सपोज दिस इज आवर लैंड. साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऊपर जाके जाने की कोशिश करती है एंड जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नीचे आने की कोशिश करती है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड. And we call this as a vertical wind shear. Easterly jet stream, 5 kilometers. ये जो phenomena है ये you cannot determine. It's based on the strength of the wind. अगर साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ऊपर होगा. अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ग्राउंड के पास होगा. सो यू कैनॉट डिटरमाइन कि एग्जैक्टली कौन सी हाइट पे होगा.
So in the second phase, there is relief, rehab, which includes recovery phase. And in the last phase, चार नहीं, तीन ही है वैसे, कुछ डायग्राम में चार दिखाएंगे, किसी में छह दिखाएंगे, किसी में तीन दिखाएंगे. Why? Because early warning में preparedness भी आएगा, early warning में forecasting भी आएगा. So you can bring that into forecasting and preparedness. And then we should be talking about mitigation. That is lessening the impact. And मैं इसमें next cyclone के लिए preparedness कर रहा हूँ. ये जो फिनोमेना है ये यू कैन नॉट डिटरमाइन इट, डिटरमाइन इट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड. अगर साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ऊपर होगा, अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तो ये फिनोमेना ग्राउंड के पास होगा. सो यू कैन नॉट डिटरमाइन कि एग्जैक्टली कौन सी हाइट पे होगा. So this is what is an example of an what? Cyclone will strike. You will do early warning, forecasting. उसके बाद cyclone will come and strike. उसके बाद recovery, which includes relief and rehab. उसके बाद once relief and rehab is done, you should be preparing for the next cyclone. Gaza निकल गया, Fethai आ रहा है. Fethai निकल जाएगा, the next one will come. So this is how the cyclone disaster management cycle will be there. अगर इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा. But there will be a tropical cyclone every year. There will be earthquakes anytime. There will be volcanoes anytime. So you should be prepared to face the disaster. You cannot stop the disaster. Only thing is you can lessen the impact and make sure that natural disaster का remains a natural hazard. Because natural hazard हमेशा आएंगे. Whether you term it a disaster or hazard depends upon the socio economic preparedness of the society. Kitni society is ready to face the hazard. Getting this? Cyber attacks kitna bhi karo, jab Google and Facebook hack ho sakte hai to Aadhaar aur apne online videos ye sab kuch bhi nahi hai, chahe kitna bhi ye karo. The only thing that can save is continuous monitoring. कितने मल्टीपल लॉगिन आईडीज है, कौन फेसवर्ड शेयर पासवर्ड शेयर कर रहा है. सो बट यहाँ पे यू कैन मैनेज, बिकॉज मनु को मैनेज कर लिया तो फिर सब मैनेज हो जाता है. बट यहाँ पे यू विल हैव टू मैनेज द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मिटिगेशन इज लेसनिंग द इम्पैक्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड मिटिगेशन? Mitigation is because it is a cycle. So the next time the cyclone is going to come, so its impact should be lessened. Climate change and mitigation. Climate change reality hai. We cannot run away from the reality. The only thing is now we should be focusing on reducing the impact of climate change. That is what is mitigation. Recovery and relief and rehabilitation. Relief is short term. Rehabilitation is long term impact. That is relief. या आपने खाना दे दिया, आपने मेडिकल एड दे दिया, आपने यू टेक देम टू डिफरेंट प्लेसेस. रिहैब इज वंस देयर फार्म इज गॉन तो आपने उनको लोन देना है. वंस देयर हाउस इज डिस्ट्रॉयड यू हैव टू गिव देम द हाउस. वंस देयर फैमिली मेंबर इज लॉस्ट यू हैव टू गिव देम काउंसलिंग. यू हैव टू गिव देम जॉब्स. टू फॉर गिविंग देम जॉब्स यू हैव टू क्रिएट न्यू जॉब्स. दैट इज व्हाट इज रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना. रिलीफ इज एन शॉर्ट टर्म फिनोमेना. एंड देन वी विल स्ट्राइक फॉर द This is how the cyclone disaster management cycle will be. So, now again, if you go to the market and buy the disaster management pe jo koi books available hai, they are giving the same points subject.
कि खाना दो, मेडिसिन दो, ये सब दो। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता, यूपीएससी स्पेसिफिकली पूछता है, क्योंकि जो साइक्लोन्स के लिए करोगे वो हीट वेव्स के लिए नहीं करोगे। हीट वेव्स के लिए यू हैव टू डू ड्रॉट डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन्स के लिए यू हैव टू बी डू फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी के लिए जो साइक्लोन्स के करोगे यू आर प्रिपेयर्ड फॉर स्टॉपिंग द विंड्स, सुनामी में विंड्स नहीं डायरेक्टली वेव्स आएंगे। So each and every disaster will have a separate answer. So don't buy any book on disaster management. अगर वो book है आपके पास तो उसको फाड़ो, उसमें कुछ जला दो या कुछ भी करो, but don't do that disaster management का book. So कुछ जरूरत नहीं है उन books की, क्योंकि वो एक normal guidelines है, वो आपको भी पता है earthquake आने के बाद भागना चाहिए टेबल के नीचे, तो वो सब एग्जाम में बहुत ही छोटे पॉइंट्स में लिखना है। योर आंसर हैज़ टू बी साइंटिफिक। साइक्लोन इंजीनियर स्ट्रक्चर्स, विंड रेजिस्टेंट बिल्डिंग, डिस्क्राइबिंग अ ज़ोन बेल्ट या अ ग्रीन बेल्ट टू स्टॉप द मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन, सो दैट इज व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन टेक डाउन, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो द साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट, द साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स managing or preparing for floods, comma high velocity winds as well as storm surges, high velocity wind as well as storm surges. It is broken into following parts. First, early warning and forecasting. So kya karoge early warning and forecasting? लाउडस्पीकर लगाओगे, कोस्टल है एसएमएस अलर्ट्स और टीवी अलर्ट्स, रेडियो अलर्ट्स, थोड़ा बढ़ा दो टीवी अलर्ट्स, रेडियो अलर्ट्स, क्योंकि यू हैव टू थिंक एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू हैव टू थिंक एट ऑल द लाइंस। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम है, कलेक्टर का काम है डिजास्टर मैनेजमेंट। यू आर डूइंग, लाउड स्पीकर लगा दिए, पता चला बिजली नहीं है लाउड स्पीकर के लिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। पता चला कि लाउड स्पीकर जिस खंभे पे लगा दिया वो खंभा ही लेके लोग भाग गए। सो ओवर द ईयर लाउड स्पीकर इंडिया में चोरी हो जाते हैं, यू शुड नो दैट। सो व्हेन हम ट्रेन के अंदर टॉयलेट का मग नहीं छोड़ते, तो यू कैन थिंक अबाउट द लाउड स्पीकर दैट कैन हैपन इन इंडिया। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग एन इन्वेंटरी, प्रिपेयरिंग, टेक इट इन पॉइंट वाइज, प्रिपेयरिंग एन इन्वेंटरी ऑफ साइक्लोन प्रोन रीजन्स, cyclone prone regions by looking at the historical records of frequency and timing of the tropical cyclones, That is, अगर ऐसा नहीं है जुलाई में फ्रीक्वेंसी, सो इफ यू आर इन ओरिसा यू शुड नो कि वेदर इट इज साउथ वेस्ट मॉनसून, फिर भी यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन कम, बट इफ यू आर इन आंध्र प्रदेश यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। सो प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज लिस्ट। सेकेंड, मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशंस, monitoring the development of depressions originating in the Indian Ocean region. Hum India geography ke hisab se answer likh rahe, originating in the Indian Ocean region.
monitoring the depressions also includes monitoring of variations in the wind speed, wind कम ज्यादा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जाके कोई डिप्रेशन ओशन में तो कैलकुलेट नहीं कर सकता. रिमेंबर इट इज नॉट अ लैंड. मॉनिटरिंग ऑफ विंड स्पीड एंड चेंजेस इन द ओशन वाटर टेम्परेचर. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, और क्या हो सकता है? हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर डिप्रेशन? मतलब साइक्लोन जब ओरिजिनेट होता है 60 किलोमीटर से कम विंड स्पीड, व्हाट कैन बी डन अदर देन दैट? यूजिंग IRNSS सैटेलाइट सिस्टम. यही तो क्वेश्चन था इस साल मेंस का. आंसर आपको मेंस के क्वेश्चन में ही मिलेंगे. यूजिंग IRNSS सैटेलाइट सिस्टम और रीजनल सैटेलाइट सिस्टम टू स्पॉट और आइडेंटिफाई द डिप्रेशंस और साइक्लोन्स एज वेल एज देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नेक्स्ट. Once a cyclone originates, there should be proper communication to the local population. Using electronic media. Social media, community radio channels, as well as the print media. क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपने नोटिस देने बोला न्यूज़पेपर को कि साइक्लोन आज रात में आ रहा है, न्यूज़पेपर कल सुबह 5 बजे आएगा. अंडरस्टैंड? देयरफॉर प्रिंट मीडिया सबसे स्लोएस्ट फॉर्म. द बेस्ट इज सोशल मीडिया. बट सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम है कि लोग खुद का साइक्लोन ना बनाए. दैट इज दे डोंट इंडल्ज इन गॉसिप्स कि ऐसे ऐसे साइक्लोन आ चुका है. फाइन. द टीवी चैनल्स should run news strip even in news strip जो नीचे आती है news strip even in prime time for the programs which are broadcasted in the cyclone affected regions iske liye hame law change karna pada. I told you in the last disaster that the private news channel were not ready to run a news of tropical super cyclone kyunki unka revenue kharab ho raha tha. Unhone already star, for example star mein aap koi serial dekh rahe ho. And now government says कि आप साइक्लोन की वार्निंग दो या टेररिस्ट की वार्निंग दो. तो न्यूज चैनल इनिशियली या इवन द टीवी सीरियल्स, जरूरी नहीं हर कोई न्यूज देखता है, पर टीवी सीरियल हर कोई देखता है. टीवी सीरियल्स डिक्लाइन सेइंग दैट ये हमारा प्राइम टाइम है एंड वी इफ यू वॉन्ट दैट टू बी फ्लैश्ड यू हैव टू पे अस द मनी. ऑब्वियस है गवर्नमेंट से दे आर एन प्राइवेट प्लेयर, व्हाई दे आर कंसर्न्ड, क्यों अपना रेवेन्यू लॉस करेंगे?
So they were not ready to lose the revenue. कि they have taken an advertisement from XYZ company और अब government of India कह रहा है कि ये news flash करो. So that they were not ready to do. But अभी law change होने के बाद it is compulsory on all the news channel. No doubt government has to pay them. ऐसा नहीं कि free में कोई करके देगा. Government has to pay them. The big corporate houses have to pay them the rate, but at a very nominal rate. Next. For the last mile connectivity, radio channels play the most important role. Especially community and AM radio channel. AM मतलब amplitude modified. Frequency modified and amplitude modified. So frequency FM ज़्यादा distance तक नहीं जाता. दिल्ली छोड़ोगे तो दिल्ली के एफएम चैनल्स बंद हो जाएंगे. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एएम है जिसमें सिर्फ न्यूज विविध भारती वो लास्ट तक आएगा. लेह लद्दाख में भी जाओ इट विल बी देयर. सो एएम शुड बी यूज्ड एंड गांव में आज भी एएम ज्यादा सुना जाता है. व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट हैव एफएम. इसीलिए दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस. गांव में टीवी नहीं है, बिजली नहीं है, आज भी लोग न्यूज़ सुनते हैं गांव में. एंड जब डिजास्टर होता है तो कम्युनिटी रेडियो ही सबसे इफेक्टिव होता है क्योंकि टीवी वो सब काम नहीं करता. डीटीएच डिश टीवी ये बारिश आते ही बंद हो जाते हैं इन द नॉर्मल कंडीशन. सो वहाँ पे तो साइक्लोन आ रहा है. सो देयरफॉर इट हैज़ टू बी कम्युनिटी रेडियो. कम्युनिटी रेडियो इज अ लोकल रेडियो दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. आई गेस यू नो व्हाट इज कम्युनिटी रेडियो. कम्युनिटी रेडियो सपोज आप किसी कॉलेज में हो तो कॉलेज का खुद का रेडियो चैनल जो ब्रॉडकास्ट करेगा दैट इज एन कम्युनिटी रेडियो. एंड कम्युनिटी रेडियो इज द मोस्ट इफेक्टिव रेडियो. इसलिए आज भी हर गांव में कम्युनिटी रेडियो है. अब यही एनडीएमए की गाइडलाइंस अगर पढ़ोगे वो 1980s की है, वो आज भी ये कह रहा है कि ढोल पीटो गाँव में. वो जमाने गए हैं ढोल पीटने की. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और बुक्स ने वो कॉपी पेस्ट किया है. सो यू डोंट राइट द सेम थिंग्स. In today's world, you cannot imagine कि कोई गांव में जा रहा है और बोल रहा है साइक्लोन आ रहा है भागो. So that is not there. So therefore, the answer has to be in today's realistic. What are the changes that are there now during the cyclone disaster? These points are for the pre-disaster phase during the cyclone disaster. वो तो कॉमन पॉइंट है. दे विल डिस्प्ले द पर्सनल एनडीआरएफ और सब तो आ गए. द फोकस शुड बी ऑन पॉइंट नंबर वन, ट्रांसफरिंग द पीपल और Displacing the people from lowland to the highland regions. क्यों? To save themselves from floods. Highland regions. Second, distribution of food, medicine, etc. इसमें आप खुद लिख सकते हो कि फूड पैकेट्स कैन बी ड्रॉप्ड बाय एनडीआरएफ पर्सनल फ्रॉम द एयर एक्सेट्रा. सो फूड पैकेट्स कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द एयर एक्सेट्रा. जो कुछ लिखना है बट इतना स्कोप नहीं होता है एग्जाम में. प्रॉपरली लिखो प्री पोस्ट डिजास्टर. बाकी एनडीआरएफ वो सब अंडरस्टूड है कि ये आम आदमी करेगा नहीं, एनडीआरएफ ही करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल द लॉन्ग टर्म रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन long term relief and rehabilitation
long-term relief and rehabilitation includes helping people rebuild their lives. By giving them कैसे रिबिल्ड करोगे? Yes, by giving them point A, employment. Point B, long-term interest free. ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म, और अंडरलाइन करो लॉन्ग टर्म. सिर्फ लोन लिखोगे वो सभी कोई लिखेंगे. लोन ऐसे तो नहीं अगले महीने दे दो, इट हैज टू बी कम से कम 10 साल का लोन. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री और वेरी लो इंटरेस्ट लोन्स. दिस कैन बी डन थ्रू, लेके आओ इकोनॉमिक्स इसमें. दिस कैन बी डन थ्रू self help groups as well as building sustainable rural infrastructure. Sustainable rural infrastructure through MNREGA. MNREGA के through उनको jobs दो. Can anyone go ask for a job in MNREGA? मैंने आपको इससे पहले भी पूछा है. और is it only for BPL? MNREGA is for any person. कल आप गांव के, आपके पास गांव का राशन कार्ड है, जाके MNREGA में जॉब पूछो, उनको देना पड़ेगा. Understanding? It can be for anyone. It is not for BPL. MNREGA में कोई भी जॉब ले सकता है. Anyone who lives in rural India can apply for a job in MNREGA, provided uska other family member is not getting a job through MNREGA. Next, funding loans, ye usme likho interest free loan, matlab fund aid. नेक्स्ट, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस. यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब अलग आंसर सिर्फ इसमें एंड इसमें है, बाकी रेस्ट विल बी सेम. सो डोंट वेस्ट टाइम इन द एग्जाम ऑन दिस. मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस. एज द साइक्लोन इज एन एनुअल फिनोमिना. Cyclone disaster management and mitigation includes building of first sub point. Cyclone engineered structures. Cyclone engineered structures. Can someone tell me what are the cyclone engineered structures? Floating, what? See, this is wind. Floating hai toh wo, it will go up. Understand what is the cyclone engineered structure. This is the land. Yes, this is the sea, and this is from where the cyclone can be coming. So in the regions of highland, this coastal region mein obviously the sea level will be very near, and uske upar there will be region of an highland. In this regions of highland, there will be building which is generally a community building. Community building means it is made by the government.
क्या हो सकती है कम्युनिटी बिल्डिंग? इट कैन बी डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी या तालुका की लाइब्रेरी या विलेज की लाइब्रेरी, डिपेंडिंग अपॉन कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया में. और इट कैन बी म्युनिसिपल काउंसिल का बिल्डिंग, इट कैन बी स्कूल, इट कैन बी एनी हॉल, ऑडिटोरियम विच कैन हाउस 1500 to 1600 people at a time, depending upon the population of area. अगर population ज़्यादा है, तो maybe 5 to 6000 people at a time. Having all the facilities, मतलब long term आपको सोचना पड़ता है when you go to the services, याद रखना. That is why this testing procedure is there. इसमें से कुछ काम नहीं आने वाला services में. वहाँ पे जाके लवासा में आप सब कुछ नया पढ़ोगे. But they are developing your insight in such a way that you are prepared for the role building. You are prepared to face the no matter what, because andar jaake a very very a big officer is there. You are sitting as a collector. Ek public representative aake aapko daat sakta hai, because we are a democracy. So as a result of this, you have to always think in the long term. So what are this the cyclone engineered structure? They are special buildings made up of concrete and steel, not of yeet. And because it has concrete and steel, not everyone can afford it. With the side having low height, facing the coast or facing the winds. So they are designed in such a way, the side view profile of a building will be such ki ek side of the roof will be at a greater height, dusra side of the roof will be slanting. Kyun? Because if the wind comes, aerodynamic design will face the winds to go up. And generally, the walls back side of this building, imagine this is a side view. The back side of a building is never straight. It is either triangular in shape, ऐसी shape होगा building का, so that there is least resistance to the wind. But अगर triangular shape का building बनाया, then it cannot house that many people. So the buildings are generally semicircular in shape, semicircular in shape, and with the side of lower height facing the wind or the direction of a coast. And wall कैसी होगी इसकी? Semicircular in shape, so that if the wind comes, there is no resistance तो गिरेगी नहीं, and the winds will dissipate. Simple mechanics है. Energy cannot be created nor can be destroyed. It can be just transformed from one form to another. Energy खुद से खुद dissipate हो जाएगी. Cyclone is an energy system. तो आप strong होके उस wind को face कर रहे हो और गिर रहे हो, या properly aerodynamically designed होके इस energy को dissipate कर रहे हो. So this is what is the dissipation of energy. That is what is known as cyclone engineered structures. कहाँ पे होना चाहिए? Community level पे. Not at individual level. जो बना सकते हैं individual level वो बना लेंगे. But हर कोई अपना घर concrete से नहीं बनाएगा. दिल्ली में आपने देखा है banks के locker room होने चाहिए concrete के. कभी पूरी bank concrete की नहीं होती. Because making this entire thing out of concrete is too costly. So दिल्ली में you just see in the Bank of Baroda की robbery. उन्होंने खुद के locker room भी concrete के लिए बनाए थे. Because to save the cost. So क्या किया? This is the Bank of Baroda. किसी ने यहाँ पे shop ले लिया and नीचे से tunnel करके it went to the. Had this been made up of concrete, तो नहीं टूटता. But because it is made up of normal yeet का structure, so it can easily break. So this is what is cyclone engineered structure. Fine. मैं बाद में diagram दूंगा. Just understand what is the cyclone engineered structure. We'll change the diagram a little bit. So take down. These are community buildings. These are community buildings made up of concrete and steel. And designed in such a way that The side with lower elevation faces the coast. This community building is used for evacuation.
this community building is used for evacuation. Community building is used for evacuation and can house large number of people for several days. So obviously kab house karoge jab andar pura khane peene ka intezam hai. To you should be knowing Japan mein kaise hai earthquake engineer beds आजकल आ रहे हैं जापान. अर्थक्वेक आएगा तो बेड खुद ब खुद खुलेगी और आप बेड के नीचे चले जाओगे स्टील फ्रेम के. उसके ऊपर रबल बबल गिरेगा कोई फर्क नहीं है. बेड हैज अ सप्लाई ऑफ ऑल द चिप्स. जितना दो तीन दिन अगर आप बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं तो यू कैन सर्वाइव. बेड हैज एवरीथिंग. जैसे ही अर्थक्वेक का ट्रिगर आया द बेड विल ओपन, इट विल कवर इटसेल्फ पूरा स्टील से. तो आपके ऊपर कुछ भी गिरे तो यू आर सर्वाइविंग. And then the bed is giving out satellite signal so that the rescuers know ki yahan pe koi aadmi daba hua hai and you can easily survive. So that is what is the disaster management. Obviously itna technological advancement India mein nahi, but still we can go to some extent like Japan. So next, the shape of these buildings is usually semicircular so that they don't resist the high velocity winds. Next point. Next point is green belt. The coastal areas which are prone to tropical cyclones. Should be strictly termed as no go. ये technical word है. No go zones. No go zones for economic development activities. This area should be converted into green belt. Having following land zone planning. Zone 1 is an intertidal zone, between high tide and low tide, where mangroves should be planted. Where mangroves should be planted, because the mangroves through their extensive ye sab prelims ke facts bhi itne hai, widespread, underline the word widespread, root system are not easily uprooted by winds.
एक्सटेंसिव वाइड स्प्रेड रूट सिस्टम, यूपीएससी ने पूछा था डीप रूट सिस्टम, मैंने डीप लिखा है या वाइड रूट लिखा है, वाइड, डीप इज इनसाइड द ग्राउंड, वाइड इज लैटरल, सो मैंग्रोव्स आर नोन फॉर लैटरल रूट सिस्टम, डीप रूट कोई भी पेड़ टूट जाएगा, मैंग्रोव्स आर नॉट नोन फॉर डीप रूट सिस्टम, दे आर नोन फॉर वाइड रूट सिस्टम, uprooted, they are not easily uprooted and hence they protect the coast, against tropical cyclones, storm surge as well as tsunamis, Zone 2. Should be the belt of coastal trees. Underline the word coastal trees. कोई भी tree नहीं, वहाँ पे जाके आम का पेड़ लगाओगे? ऐसे नहीं. It has to be नारियल का पेड़ या date palm. क्यों? You see the shape. Shape इसलिए ऐसे होता है, they have a slender trunk and very pointed leaves, so that leaves are giving least resistance to the speed of the wind. इसलिए coast में and desert में same type के trees मिलेंगे. अगर वहाँ पे बड़ा पेड़ है बरगद जैसा, बानियान type, it will resist the wind and ultimately the tree will fall. यहाँ पे coastal trees do not fall because they have very pointed leaves which will not resist the wind. So you see date palm, khajur और कोकोनट दोनों के लीव्स आर सेम, सो दैट इज एन अडैप्टेशन द ट्रीज हैव मेड टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ एन क्लाइमेटिक कंडीशन. सो प्रीलिम्स के लिए दो चीजें याद रखना, मैंग्रोव्स डू नॉट हैव डीप रूट सिस्टम एंड सेकेंडली कोस्टल ट्रीज हैव पॉइंटेड थिन लीव्स एंड वेरी थिन ट्रंक, अदरवाइज हो गया ब्रांच हो गया कोकोनट का पेड़, इट विल फॉल डाउन, इट वाज हैविंग वेरी थिन, सो coastal trees should be planted, belt of coastal trees having thin pointed leaves should be planted, such trees resist due to friction reduce the wind speed without getting uprooted. Third, Zone 3 is a green belt. Which acts as riparian buffer. Matlab, understand what does it mean? It means if there is a flood, if there is storm surge, so यहाँ पे green belt है, grass है, so the grass will take up excess water and because of excess water नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा कि there will be recharge of the groundwater because the water will percolate downwards. और यही अगर आपने cement बना दिया, तो see water level will rise. So this green belt or acts like a riparian buffer. So groundwater can be used for drinking water, for irrigation, for different purposes, and ultimately nobody is at loss. So Britishers used to do this. The only thing is, Britishers यहाँ पे before coming to this area, they used to make very very deep canal. There was a canal only along the eastern coast of India. And that famous canal from Odisha to Andhra Pradesh, Andhra to Tamil Nadu, was known as Buckingham Canal, which was parallel to the eastern coast of India. Normal conditions mein they used it for inland navigation, fishing, and jab excess tsunami ya water used to come, excess water used to
fall in that canal and flow out back to the sea before coming into the inland regions. बाकी जो घर है फिशरमैन सबके उनको वो अंदर ले आते थे, बट नो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ऐसे नहीं है कोस्ट व्यू रिसोर्ट या एक्स वाई जेड रिसोर्ट, ऐसे नहीं अलाउड था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स. आजकल हम अलाउ करते हैं. वी हैव चेंज द वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2017 दिस ईयर. वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स इतने ज्यादा चेंज हुए दैट इन मुंबई इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर था. आई विल टेल यू व्हाट इज दिस वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स. बिफोर द प्रीवियस गवर्नमेंट वेटलैंड मैनेजमेंट वॉज अंडर सेंटर, इस गवर्नमेंट ने दे दिया स्टेट्स को. देन देयर वॉज वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने उस अथॉरिटी को निकाल दिया. दिस हैज बीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का क्वेश्चन इस साल, क्योंकि इतना ज्यादा चेंज था. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी सॉ दैट एज सून एज द न्यूज रूल्स केम इन टू फोर्स 450 hectares of wetlands in Mumbai were removed. क्यों? Building purpose. And Mumbai में floods बढ़ गए. So this is what the ये आप पूरा निकाल दो, यहाँ पे resort बना दो. So कौन पहले धक्का लेगा cyclone का? Resort, people, house. So this should be a green belt. Acts as a riparian buffer, which will help in reducing the impact of floods. Which will help in reducing the impact of floods, comma, recharge of groundwater, and save life as well as property. The state which has properly implemented this, is Orissa. इसलिए Orissa में deaths have significantly reduced. Tamil Nadu में deaths, Kerala में deaths, Andhra में 44 deaths. But one of the poorest states of India has properly implemented this. Iske liye paise nahi lagte, iske liye there has to be political will. So Orissa mein super cyclone comes and only 10 people die. Normal fitai comes in Tamil Nadu, hit bhi nahi karta Tamil Nadu, before hitting 50 people die. Getting? Orissa passes near Kerala, the cyclone Oki passes near Kerala, 95 people die. But 600 kilometers per hour ka wind speed, super cyclone Phalin comes and hits Orissa and only 10 people die. Usse pehle super cyclone mein 1000 people died. Kyun? Kyunki Disaster Management Act ko properly implement kiya hai Orissa. Isliye environment ecology mein Bhitarkani ka mangroves, Chilika lake, all this are mostly present in Orissa. Orissa is one of the state which has properly implemented its nature. And therefore, the disaster has reduced, except in the inner part, jahan pe heat wave disaster hai. Getting this? On other hand, baki ke states mein sirf foundation stone lagaya gaya. That is, Tamil Nadu was supposed to construct a wall 2004 Indian Ocean tsunami mein. So, wo eat ki puja ki gayi, uske baad na wall bani, na cyclone, na this was done. Getting this? The same, Kerala thought that it is on the western coast, kuch hoga nahi, but 2 saal se the nature is telling Kerala that even you are prone to disaster. So this is why the cyclone disaster management is very, very important. Ab you can also include in this, agar time mila to, ki nuclear reactors etc. should not be based on the eastern coast of India, very near to the coast. अगर कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अदरवाइज फुकुशिमा जैसा ट्रेजेडी इंडिया में हो जाएगा. अगर जापान के इतना स्ट्रिक्ट इसमें द फुकुशिमा ट्रेजेडी हैपेंस, इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. इसलिए वी डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज वेरी नियर टू द ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज इट इज प्रोन टू सुनामी एज वेल एज इट इज प्रोन टू साइक्लोन्स. फाइन, सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट. लास्ट पॉइंट, यस, सीआरजेड इज दिस, इसी में सीआर, नो, सीआरजेड इज डिफरेंट.
CRZ said you should not be doing that strictly because CRZ varies from state to state, even from region to region. CRZ is not uniform. And that is good for CRZ because Orissa ki jo policy hai, that same policy cannot be implemented for Kerala coast. That policy cannot be implemented for Mumbai coast. Har ek ke problems alag hai. That is a good thing about CRZ. CRZ is decentralized where the state governments decide what are there. For we are not going to study CRZ in detail. But this is what zone 1, zone 2, zone 3, CRZ. Even at the individual level, people should take following care. Large overhanging roofs should be avoided in the cyclone prone regions. Large overhanging roof should be avoided in the cyclone prone region. Large overhanging roof should be avoided in the cyclone prone region. That is, घर ऐसा बनाओगे बहुत फैंसी दिखेगा जब तक साइक्लोन है वैसे ही साइक्लोन आएगा इट विल टेक द रूफ एंड गो अवे सो द रूफ शुड बी दिस दैट इज यू शुड अवॉइड द ओवरहैंगिंग रूफ सिस्टम दैट इज जस्ट लाइक चाइना या पागोडा जैसे यू मेक अ लॉन्ग रूफ सो आंसर लिखते समय एट इंडिविजुअल लेवल एक अलग पॉइंट लिखना है इंडिविजुअल लेवल पे ये दो करना क्योंकि जरूरी नहीं एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम गवर्नमेंट समथिंग हैज टू बी कमिंग फ्रॉम पीपल ऑल्सो Yes. Next, second point. Individual bunkers which are 4 to 5 feet above the ground. Which are 4 to 5 feet above the ground should be constructed. Above the ground. Below the ground rakhoge to flood ka pani andar chala jayega. So above the ground should be constructed. 4 to 5 feet, individual bunkers which are 4 to 5 feet above the ground should be constructed. ये है घर, घर के ऊपर एक बंकर, इनके साइक्लोन कम्स तो आप वहां तक नहीं जा सकते हो, दूर है आपके इसमें नहीं है तो ईच हाउस शुड हैव इंडिविजुअल बंकर कि अगर साइक्लोन आता है तो छुप जाओ इन बंकर बिलो द ग्राउंड रखोगे यही तो दिस इज टेक्निकल बिलो द ग्राउंड बॉम्ब जहाँ पे गिरते हैं ज्यादा वहां पे अब यहाँ पे बिलो द ग्राउंड बनाओगे तो फ्लड्स आएंगे फ्लड का पानी बंकर के अंदर घुस जाएगा एंड पीपल विल बी ट्रैप्ड देयर इट हैज टू बी अबव द ग्राउंड ओनली एंड दिस बंकर विल बी मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील तो पूरा घर आप कॉन्क्रीट एंड स्टील का नहीं बना सकते मेक द स्मॉल बंकर्स नहीं फर्क पड़ता है बिकॉज कॉन्स्टेंट वाटर नहीं होता 4 to 5 फीट 9 फीट सडनली आएगा निकल जाएगा सो दिस बंकर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे कैन स्टॉप द स्टॉर्म सर्ज बट इट शुड बी ऑलवेज अबाउट द ग्राउंड नॉट बिलो द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग साइक्लोन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड साइक्लोन एंड सुनामी बिलो द ग्राउंड वाटर विल सीप इन इफ यू आर बिलो द ग्राउंड पेड़ टूट के बंकर के ऊपर ही गिरा तो यू कैनॉट इवन एस्केप फ्रॉम द बंकर एंड यू आर ट्रैप्ड देयर So it has to be above the ground. Having one door which will be water resistant. ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे जा रहा है. This should be entry from the side. क्योंकि ऊपर क्यों नहीं? पेड़ गिर गया आपके ऊपर तो. Do you have the strength to remove the tree? No. So side से. Getting this? So that is the cyclone disaster management. Let this diagram come. And let the individual points come. मतलब you have to understand कि जब भी question आएगा तो focus should be on the last वाला point. पहले दो points पे नहीं. IRNSS लिखो, underline करो, क्योंकि earthquake में geological survey आएगा. Second, you can skip अगर time नहीं है तो skip relief and rehabilitation सिर्फ लिख दो इसमें you have to provide food, medicine, self help group etc. And come to the last point, give at administrative level. At individual level.
Can I continue? And देखो दोनों points, this last point will be applicable even to tsunami. सिर्फ फर्क ये है tsunami में winds नहीं है, otherwise it is same. So there should be community centers at high altitude. Community centers should be designed in such a way कि they are aerodynamic. क्योंकि instead of wind now the waves will come with great speed. And flat have wall, so they will break. Semicircular have wall, so they will move out. You have seen this कि कितनी भी sports car इतनी ज़्यादा low क्यों होती है? So that aerodynamic design should be there. Sorry, before I finish, start with oceanography, एक anti-cyclones बचा है. Still, I will write this. Important topic for prelims and mains. Don't focus. This is hardly 3 to 4 lectures. 4 lectures will require for oceanography. The easiest of all, क्योंकि इसमें से we can predict कि कहाँ से question आएगा. Question for both prelims and mains will be importance of continental shelf. The second importance will be ocean currents, the most important will be ocean current, because ocean current may we will do El Niño and La Niña. Third will be corals. And coral bleaching. Corals and coral bleaching. This you prepare, and the fourth will be ocean acidification. Ocean acidification, and for prelims only, that is only superficial, is ocean bottom relief kisma anticyclone one page, ocean bottom relief. That is ocean किससे बना है? Continental shelf, slope, continental rise, deep sea plains. That is what is ocean bottom relief. कुछ काम करनी है except for continental shelf. Temperature and salinity. So that is all about the and lastly इस साल के लिए tides. Tides. So be very specific while studying oceanography. किसमें deep जाना है और किसमें नहीं जाना. Even if you understand these things, go for the exam more than enough. But you should, because you see, they हर साल corals पे question आएगा. कभी biodiversity related, कभी उनका. And we will find every year the question on ocean currents. फिर current में कौन सा topic है? Dead zone in the oceans due to plastic pollution. Dead zones in the oceans and ocean acidification. Can I wrap this part?
एंटीसाइक्लोन्स, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लाइमेट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, एक करने के लिए हम कर रहे हैं. इन केस अगर एंटीसाइक्लोन पे आता है, इसमें से दो ही क्वेश्चन आएगा मेंस में, एक ही क्वेश्चन आएगा मेंस में, डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटीसाइक्लोन. सो यू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द आंसर. प्रीलिम्स में वेरी सिंपल, व्हाट इज साइक्लोन, लो प्रेशर या हाई प्रेशर सेंटर, लो प्रेशर. सो व्हाट इज एंटीसाइक्लोन, अपोजिट ऑफ साइक्लोन, दैट इज द हाई प्रेशर सेंटर. In this high pressure center, as we go up, the pressure system goes on decreasing. Outside there is a low pressure and inside center there is a high pressure. And because the pressure goes on decreasing, you should understand the pressure difference between this high pressure and low pressure is very, very minimal or very low. And therefore, wind speed is very low. So because the wind speed is very low, the winds originate from high pressure to low pressure and they move in such a way that they deflect right in northern hemisphere. And they will deflect to the left in the southern hemisphere. Therefore, we say anticyclones are high pressure centers with central high pressure and decreasing low pressure, and the wind flows in such a way that it is clockwise in the northern hemisphere. Cyclones mein kaisa tha? Anti-clockwise. While it is anti-clockwise in the southern hemisphere. Proper Coriolis force. Kahan pe ho gaya? So high pressure means that. Not necessarily always there. So, where are these anticyclones formed? जहाँ पे air क्या हो रहा है high pressure, मतलब air नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है. High pressure means air is subsiding. So when the air is subsiding, rainfall के chances है या नहीं है? Clouds? No. Clouds होगा कि नहीं? Clouds नहीं होगा तो no rainfall. No rainfall so no winds properly. Therefore we say anticyclone are weatherless phenomena. So anticyclone is always characterized by stable weather, atmospheric stability, fair weather and blue skies. Ab kahan pe hota hai anticyclones? Anticyclones are found either in the subtropical high pressure belt where the air is forced to subside. 5 minutes. Where the air is forced to subside, or it is found in the regions where the air is forced to subside due to cold air, that is polar high pressure belt. Right now, if you want to experience how is the anticyclone, we are under the influence of anticyclone, high pressure. This is what is anticyclone. Dry air conditions, because high pressure kaam. Are we under the high pressure? Yes, we are under this central high pressure center. Himalayas mein bahut hi zyada high pressure, but somehow there is an high pressure. And as a result of this, we say that anticyclones are rainless, cloudless phenomena. Fine? So you can take the definition of anticyclone. Anticyclones are high pressure center. Anticyclones are high pressure centers. With decreasing pressure outwards, with decreasing pressure outwards, and the air flows in such a way, and the air flows in such a way, not air, wind flows in such a way, from high pressure center, that it becomes clockwise in northern hemisphere from high pressure center, that it rotates clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Anti-clockwise in the southern hemisphere. We'll continue tomorrow. And we have to go to the seminar. Anti-clockwise in the southern hemisphere.